हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोटोरोला E50 प्रो के कुछ सेटिंग्स के बारे में, जो कि आप लोगों को शायद से नहीं पता होगा। फ्रेंड्स, आज जो सेटिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये बहुत ही कमाल का सेटिंग है। अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पास मोटोरोला का E50 प्रो यहाँ पे देख सकते हैं है मेरे हाथ में। तो गाइस, इसका कुछ सीक्रेट सेटिंग के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रीसेट बैक बटन जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये उल्टा साइड है। इससे बहुत जन को दिक्कत होता है, जैसे कि मेरे को दिक्कत होता है। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नेविगेशन आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। आपको यहाँ पे नेविगेशन बार आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे कहीं पे आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, सर्च बार में आ जाना है और सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आ गया नेविगेशन बार, आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 बटन नेविगेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में एक है, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे डबल नेविगेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक होम रिसेट का ऑप्शन है, जिसमें अभी हमारा है। और नीचे में देख सकते हैं रिसेट होम बैक। तो चलिए इस पर आप कर देते हैं सेट। तो देख सकते हैं यहाँ का जो है सिस्टम हमारा चेंज हो गया, बैक बटन इधर आ गया है। ये हो गया फ्रेंड्स। अब दूसरा नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप कोई भी अगर आर्टिकल यहाँ पे पढ़ते हैं गाइस, कोई भी आर्टिकल अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते आप उसको मतलब कि स्क्रीन को टच नहीं करते हैं, तो स्क्रीन आपका हो जाता है बंद। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इसीलिए नहीं चल रहा है। कोई आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आपका स्क्रीन बार बार बंद हो रहा है, बार बार आपको लॉक ऑन करना पड़ता है, स्क्रीन को ऑन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्क्रीन बंद नहीं होगा। जब तक आप स्क्रीन की तरफ मतलब कि आपका नज़र रहेगा तब तक आपका स्क्रीन बंद नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आ जाना है डिस्प्ले में। यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आपको आ जाना है, और यहाँ पे नीचे में आपको आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीन टाइम देख सकते हैं, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। और यहाँ पे आप जितना भी आप सेट कर सकते हैं, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट आप यहाँ पे कर सकते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है ये वाला ऑप्शन, इसको आपको कर लेना है ऑन। इसको आप अगर ऑन कर देते हैं तो जब तक आप स्क्रीन की तरफ देखोगे तब तक आपका स्क्रीन ऑफ होने वाला है नहीं। तो ये हो गया दूसरा सेटिंग। अब तीसरा सेटिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको पावर शेयरिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपके पास अगर मोटोरोला E50 प्रो है तो आपके पास एक पावर शेयरिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको आ जाना है, ऊपर में इस तरह नीचे कर लेना है, और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा सबसे लास्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं पावर शेयरिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस यहाँ से किसी को पावर शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ पावर ले भी सकते हैं। अगर आपका चार्ज ख़त्म हो गया है, कम है, तो आपको इमरजेंसी में किसी के साथ आप यहाँ पे चार्ज शेयर कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। यह हो गया फ्रेंड दूसरा सेटिंग। तो फ्रेंड, अब अगला सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आगे कितना बताया हमको याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी करते हो, स्क्रीन शॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन वाला आपका स्क्रीन शॉट होता है, और यहाँ से भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आपको स्क्रीन शॉट का एक ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे भी आप क्लिक करके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। लेकिन उससे भी आपको एक शॉर्टकट तरीका आपको मैं बताऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले में फिर से आपको आ जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 फिंगर्स स्क्रीन शॉट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, उस पर आपको कर लेना है क्लिक। इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये आपका हो गया शुरू। आप यहाँ पे 3 उंगली पे ही आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। 3 उंगली रखें आपका स्क्रीन में, आपका स्क्रीन शॉट हो गया, बहुत ही ईजी है। यह हो गया फ्रेंड्स अगला सेटिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है घटता नहीं है, मतलब कि आपका जो ऑडियो है वही घटता है। आपका कॉल कुछ आता है तो आप अगर इस तरह क्लिक करते हैं तो आपका
मतलब साउंड घटता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिला है, इस पर कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बटन ये वाला प्रेस करेंगे तो ये सब एक साथ में घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। और तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी वॉल्यूम का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पर यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, इसको आपको कर लेना है ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पे जिस अब यहाँ पे अगर साइड बटन को हम क्लिक करेंगे तो सब एक साथ घटेगा बढ़ेगा, ये हो गया फ्रेंड। तो अगला सेटिंग फ्रेंड्स यहाँ पे यही है कि अगर कॉल आने पे फ्लैश लाइट कैसे जलेगा। आप बहुत तो मोबाइल में देखे होंगे कि फ़ोन आने पे ही फ्लैश लाइट जलता है, तो चलिए हम लोग भी इसमें फ्लैश लाइट को ऑन कर देते हैं, नोटिफिकेशन में फ्लैश लाइट को ऑन कर देते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपका फ्लैश लाइट जलेगा, तो उसके लिए कहाँ हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, सेटिंग में आने के बाद नोटिफिकेशन में आपको आ जाना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद मेरा देख सकते हैं अभी सिर्फ स्क्रीन वाला ही ऑन है, स्क्रीन फ्लैश ही, रिव्यू देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप रिव्यू देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से डिस्प्ले ब्लिंक करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरा फ्लैश का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो कैमरा फ्लैश ऑन कर दिए और यहाँ पे रिव्यू एक बार कर लेते हैं, तो देख सकते हैं इस तरह आपका फ्लैश लाइट जलेगा। और फ्रेंड्स इसका डिस्प्ले का जो कलर है इसको आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से येलो, ग्रीन, ब्लैक कुछ भी लगा सकते हैं। अगला जो सेटिंग है फ्रेंड्स वो फ्लैश लाइट पर रही है, तो आपको फ्लैश लाइट जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आते हैं, फिर इधर यहाँ पर टच करते हैं, इससे बहुत मतलब आपका टाइम लग जाता है, लेट लग जाता है। यहाँ पे और भी शॉर्टकट तरीका आपको बताया गया है, यहाँ पे कुछ भी आप कर रहे हैं आपका स्क्रीन इस तरह बंद है, आप अगर इस तरह हिलाते हैं तो देख सकते हैं आपका फ्लैश लाइट जल गया, इस तरह हिलाते हैं तो आपका फ्लैश लाइट हिलाने पे ही जलेगा, हिलाने पे ही आपका बंद हो जाएगा। और ज़्यादा अगर इसको आप ज़ोर से हिला देते हैं, ज़ोर से इस तरह हिला देते हैं, तो आपका जो है कैमरा भी ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाता है पर ऑफ नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, ऑफ नहीं हुआ। फ्रेंड्स ये कुछ सेटिंग्स के बारे में हमने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए गाइस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।